टैक्स एमनेस्टी स्कीम से अब तक 97 अरब रुपए इकट्ठे हुए वजारत खजाना। आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर का नाम ईसीएल में डालने का हुक्म नहीं दिया चीफ जस्टिस। और इलेक्शन कमीशन का 25 जुलाई को मुल्क भर में आम तातील का ऐलान। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ प्रोग्राम कैपिटल व्यू के साथ मैं हूं शफ़क़त हिराओ। मेरे साथ मौजूद हैं हमेशा की तरह द सीनियर जर्नलिस्ट फारूक खुदाफ़ी। अस्सलाम वालेकुम फारूक, क्या हाल है? अस्सलाम डॉक्टर साहब, मैं ठीक हूं, अपना सुनाइए। मैं ठीक हूं नाज़रीन। टॉप स्टोरीज आपने देखी, आज के हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे जो कि डिस्कस होंगे आज के शो में। आप भी हमारे शो में शिरकत कर सकते हैं थ्रू लाइव कॉल। टेलीफोन नंबर आपके स्क्रीन पर चल रहे हैं, मैं भी रिपीट कर देती हूँ। टेलीफोन नंबर है 0519212643, दूसरा नंबर है 0519212644। जो भी आपका सवाल है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू है आज के हमारे तीनों टॉपिक्स से रिलेटेड, आप हमें लाइव कॉल करके हमारे शो का हिस्सा बन सकते हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज करते हैं टैक्स एमनेस्टी स्कीम के हवाले से, जो आज वजीर खजाना ने कहा है कि टैक्स एमनेस्टी स्कीम से अब तक जो पैसे जमा हो चुके हैं उनकी तादाद जो है उनकी अमाउंट है 97 अरब रुपए। उन्होंने कहा कि ताजा दादो शुमार जो है उन्होंने आज पेश किए और उन्होंने कहा कि किस तरह से आवाम ने जो है इस स्कीम पर अपने एतमाद का इजहार किया है। और अगर अब तक की स्कीम्स के हवाले से बात की जा सके तो सबसे मुस्बत स्कीम की अगर बात की जाए तो वो अब तक जो है हमारे सामने में टैक्स एमनेस्टी स्कीम के तौर पर आई है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने फायदा उठाया है उनकी तादाद है 55,225 अफराद। ये वो अफराद हैं जिन्होंने स्कीम से फायदा उठाया है और इन स्कीम के मुताबिक जो है दादा शुमार के मुताबिक जो इन लोगों की बैरून मुल्क जायदाद थी उनकी मालियत थी तकरीबन 577 अरब रुपए। ये बैरून मुल्क जो है इनकी मालियत थी। और अगर अंदरूने मुल्क की बात करें तो 1,192 अरब रुपए की जो है अंदरूने मुल्क जो थी वो मालियत थी। लेकिन टोटल जिस तरह से मैंने भी आपको बताया कि 97 अरब रुपए जो है वो इकट्ठे हो पाए हैं, उनसे अगर 97 अरब रुपए के हवाले से बात की तो 36 अरब रुपए जो है ये बैरून मुल्क से इकट्ठे हुए हैं और 61 अरब रुपए जो है वो अंदरूने मुल्क से इकट्ठे हो पाए हैं। बहुत बड़ी फिगर है नाज़रीन जो इस टैक्स एमनेस्टी स्कीम के थ्रू जो लोगों ने जो इससे इस्तेफादा हासिल किया है, जो फायदा उठाया है, और एक बहुत बड़ी अमाउंट है जो कि जमा हुई है। तकरीबन एक ऐलानिया के मुताबिक $4 करोड़ के ससाजात पाकिस्तान मुंतकिल किए गए हैं इस स्कीम के थ्रू। तो इस हवाले से बात करते हैं फारूक, क्या बहुत बड़ी स्कीम, क्या बहुत बड़ी कामयाबी मिली इस स्कीम को? जी डॉक्टर साहब, मेरे ख्याल में अगर आप याद करें तो जब पनामा पेपर्स का सारा केस वो हुआ था उसके अंदर खासतौर पर कहा गया था कि अच्छा जी, अब मियां नवाज शरीफ साहब के ऊपर तो वो किया जा रहा है लेकिन बाकी इतने सारे लोगों के जो नाम आ गए और उनके पैसे मुल्क से बाहर हैं, ये इनको कब वापस ला रहे हैं? तो उसके अंदर खास तौर पे ये कहा गया था कि जी हमने ये टैक्स एमनेस्टी स्कीम बना दी है और उसके साथ साथ अमेरिका और बरतानिया के अंदर नए कानून आ रहे हैं जिसकी वजह से वहां पे लोगों का अपना पैसा छुपाना, पार्क करना टैक्स के किसी उसके अंदर जो है ना खासतौर पे छुपाने वाली जगह पे छुपाना वो अब नामुमकिन होता जाएगा। तो उसका मतलब ये है कि पाकिस्तानियों को इस बात का हम इंसेंटिव देंगे कि अगर वो अपने सिस्टम में आ जाते हैं, एक नॉमिनल अमाउंट देते हैं तो उसके बाद वो आपके टैक्स बेस का हिस्सा भी बन जाएंगे और वो पैसा भी पाकिस्तान में वापस आ जाएगा। क्यों उनको फायदा दिया? अच्छा, कहा गया कि अगर आप अपने ससाजात शो करते हैं या आप इस स्कीम के थ्रू जो है वो अपने ससाजात शो करेंगे, लेकिन ये नहीं पूछा जाएगा आपसे कि उनके जराए क्या थे, आपने कैसे वो ससाजात बनाए, तो ये क्यों? नहीं, मेरे ख्याल में उसके अंदर भी दो कैवियट्स थे, एक तो दहशतगर्दी का उससे कोई ताल्लुक ना हो, दूसरा स्मगलिंग का ना हो। तो ये दो चीजें जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट थी। लेकिन देखें डॉक्टर साहब, मेरे ख्याल में आपके मुल्क का पैसा, आपके लोगों का पैसा जो कमा के लेकर गए, वो बाहर उन्होंने कहीं छुपाया हुआ था, कहीं पनामा में, कहीं और, वो आखिर वापस आना था। और उसके अंदर अगर वो खुद वॉलंटरली लाते हैं तो उसका फिर बड़ा आसान है कि आप उनको थोड़ा सा इंसेंटिव तो देंगे, अगर आपने दे दिया तो ठीक है। ज्यादातर जो लोग बाहर पैसे रखे बैठे थे, शेल कंपनियां बनाई हुई थी, पनामा पेपर्स का जो एक्सपोज हुआ, उनकी ज्यादातर करप्शन का पैसा नहीं था, ज्यादातर पैसा वो था जो इतना ज्यादा हो गया कि उनको लगा कि अगर हम टैक्स देने पे आ गए तो हमारा कबाड़ा हो जाएगा। तो उसके लिए ना तो वो अमेरिका में टैक्स देना चाहते थे, ना बरतानिया में, ना अरब अमारात में।
उन्होंने जाके पैनामा के अंदर पैसे पास कर दिए। ठीक है, अब जो है आपने उनके लिए इंसेंटिव ले आए और उसके बाद रिस्पांस आया। ये कम्प्लीमेंट मौजूदा हुकूमत को और खासतौर पर फाइनेंस मिनिस्टर को भी जाता है। और गुज़िश्ता जो फाइनेंस मिनिस्टर है, जब वो ये बात कर रहे थे, आपको याद होगा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी और उसके अंदर खासतौर पर मैंने काफी चुपते हुए सवाल किए थे, तो मैंने उसमें कहा था कि जी इसमें तो आपको कैरेट्स नजर आ रही, स्टिक्स किधर है? ठीक है, उन्होंने कहा था स्टिक्स ऑटोमेटिकली बन रही है सारी दुनिया में क्योंकि उनके कानून आ रहे हैं। अनडिस्क्लोज वेल्थ ऑर्डिनेंस ऑर्डर जो है वो बर्तानिया का आया, जिसके अंदर आपके नैब वाला प्रिंसिपल इस्तेमाल किया गया कि यू आर गिल्टी अंटिल प्रूवन इनोसेंट। अगर आप अपनी प्रॉपर्टी का नहीं बता पाते हैं कि वो कहां से आई, किसकी है, कैसे हुआ, तो फिर हम उसको नाजायज समझेंगे। तो अब वो आहिस्ता आहिस्ता पैसा वापस आना शुरू हो रहा है, लेकिन मौजूदा अमाउंट भी अशरे अशीर नहीं है जो ओरिजिनल पाकिस्तानी पैसा बाहर पड़ा हुआ है। अगर वो आ गया किसी दिन तो मैं आपको बताता हूँ कि जितना आपका उधार है, जितने मसाइल है, वो सारे खत्म हो जाएंगे। ये बिल्कुल मैं आपसे पूछने लगी थी, वो आपने खुद ही आंसर दे दिया कि अगर पैसा सारा आ गया तो ये जो मुल्क का कर्जा होता है या बाकी चीजें, तो वो भी आपने खुद ही अपने पॉइंट से क्लियर कर दिया। और क्लियर सीपैक के ऊपर हम कितने खुश हुए थे, बिल्कुल उसके अंदर इन्वेस्टमेंट आई थी आपके मुल्क के अंदर और सारा का सारा जनरल लोन्स भी आए, बाकी बहुत कुछ है। हम इसलिए खुश हुए कि पाकिस्तान में किसी ने फेथ रखा है। ये याद रखें कि ये तमाम चीजें इसलिए हो रही हैं, हम इसलिए खुश होते हैं कि हमारा खसारा बहुत ज्यादा है, हमारे उधार बहुत ज्यादा इंटरनेशनली, लेकिन अगर इतना पैसा पाकिस्तान में होता और टैक्सेबल होता तो उसका नतीजा क्या होता कि आपको बाहर से उधार ना लेना पड़ता। अगर उधार ना लेना पड़ता और आपका खसारा ज्यादा ना होता तो आज के दिन आपके लिए सीपैक आना, कोई और प्रोजेक्ट आना, वो होती बहुत अच्छी चीज, लेकिन इतनी बड़ी चीज ना होती कि हमारी लाइफ उस पर डिपेंड करे। और ये यही वजह है कि इसका भी मुद्दत जो 31 जुलाई तक, वरना तो इसकी मुद्दत खत्म हो जानी थी, लेकिन 31 जुलाई तक, बिल्कुल 31 जुलाई तक जो है वो इसको कर दिया है, आगे कर दिया गया है कि तब तक भी और भी जितने लोग फायदा उठा सकते हैं वो इससे फायदा उठाएं। इसका मतलब है कि 31 जुलाई तक और भी बहुत बड़ी अमाउंट है जो कि सिस्टम में आ सकती है। कॉलर को शामिल करना, फिर से सवाल करूंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? इब्राहिम बोल रहा हूँ, इस्लामाबाद से। जी इब्राहिम साहब, आप दोनों को अस्सलाम वालेकुम। मैंने अर्ज ये करना थी कि दो बातें मैंने पूछनी है कि कुछ दिन पहले एक अखबार की खबर पर कि नवाज शरीफ ने भारत को $5 करोड़ दिए हैं, चेयरमैन नए साहब की तरफ से एक प्रेस रिलीज जारी हुई थी कि नवाज शरीफ के खिलाफ इंक्वायरी शुरू कर रहे हैं। मैंने ये पता करना था कि आया नवाज शरीफ के खिलाफ इंक्वायरी हो रही है या प्रेस रिलीज वापस हो गई है, एक तो ये पूछना था। ठीक है, दूसरी बात ये पूछनी थी कि कुछ दिन पहले ये एक्सप्रेस में आई थी खबर उनके जुवेद चौधरी साहब के कॉलम में, एक जज साहब ने ना वो एग्जेक्ट वालों की मंजूरी की थी, उसकी जमानत थी 2.5 करोड़ की रिश्वत के अगर, तो वो जज साहब के इंक्वायरी के दौरान उन्होंने कहा कि मुझे 50 लाख मिले हैं, बाकी वो 50 लाख बाकी नहीं मिले और 50 लाख लेकर वो घर चले गए। पूछना मैंने ये था कि मेयर के शफाफ पाकिस्तान के मुताबिक उसके खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं हुई। अच्छा, आपकी इतला के लिए उन साहब के ऊपर केस भी चल रहा था और उनको उन्होंने जो है उनको निकाल भी दिया गया था, आपको याद होगा। मातहत अदलिया की शख्सियत है, मातहत अदलिया के अंदर बहुत सारी ऐसे मसाइल है। चेयरमैन नैब का जो आपने बात की और खासतौर पे वो प्रेस रिलीज की, उस वक्त भी हमने उसके ऊपर थोड़ा सा ऑब्जेक्शन वो किया था कि शायद वो रिपोर्ट जो चली थी अकवाम मुतहदा और बाकी इंटरनेशनल, उससे हमने उसको पूरी तरह मुतालिया नहीं किया, वरना उसके अंदर स्पेकुलेशन थी, सारी की सारी प्रोजेक्शन थी। किसी बंदे की कोई बुराइयां भी होंगी, अच्छाइयां भी होंगी, ये लाजमी नहीं है कि हर बुराई एक ही बंदे की हो या हर अच्छाई एक ही बंदे की हो, तो ये याद रखने की। कॉलर को शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। सर व्हाट अ वंडरफुल शो, इसके लिए सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया सर। एक्चुअली आई हैव बीन ट्राइंग कॉलिंग यू फॉर सो लॉन्ग, आई हैव टू क्वेश्चंस, अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट टुडे रिलेवेंट टू योर टॉपिक, बट अलाउ मी टू प्लेस देम इन फ्रंट ऑफ यू, आई वांट टू हैव योर एनालिसिस ऑन। या प्लीज गो अहेड। जी सर, अभी आपने शो भी किया और हमने देखा कि नवाज शरीफ साहब को और बाकियों को सजा भी हुई, तो अक्सर सदर के पास कुछ पावर्स होती हैं, तो क्या हमारे सदर के पास इस वक्त पावर मौजूद है कि वो नवाज शरीफ साहब की सजा को या तो कम कर सकें या इसको एग्जेम्प्ट कर सकें? ठीक है। और दूसरा मेरा सवाल ये है कि डैम्स की तामीर के लिए अभी सुप्रीम कोर्ट ने फंड तलब किए हैं, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि पाकिस्तान में आगे भी भरेंगे और पैसा इकट्ठा भी होगा, मगर हम ऑलरेडी एक बहुत गरीब कौम है और बहुत कुछ इन्वेस्ट कर चुके हैं,
तो क्या हम कंपनसेशन रिजर्व नहीं करते? आप एमनेस्टी स्कीम के तहत नवाज शरीफ पर जो फाइन लगाया गया है उसके तहत आप पैसा वापस ला रहे हैं, तो आप उसको डैम्स पर खर्च क्यों नहीं कर देते? शायद उस सूरत में डैम्स जो है वो ज्यादा यादगार भी हो जाएंगे। ठीक है, आपका दोनों सवाल बहुत जबरदस्त है। मेरे ख्याल में पहले तो मैं आपको बता दूं, सदर पाकिस्तान के पास सजा कम्यूट करने की ताकत होती है, लेकिन उसके साथ साथ जो है फिर भी उसका जो इंडाइटमेंट है उसका जो सारे का सारा वो है इम्पैक्ट रहता है। यानी कि अगर नियाज साहब को माफ भी कर दिया जाए लेकिन फिर भी वो डिस्क्वालीफाइड सारी जिंदगी के लिए रहेंगे और कन्विक्शन रहेगी। अच्छा, उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है? उसके लिए आपको एप्लीकेशन देनी पड़ती है, दरख्वास्त देनी पड़ती है। मुझे नहीं लगता कि मियां साहब या उनकी साइड से कोई ये प्लान करता है, क्योंकि उन्होंने पहले भी कहा था कि हम ऐसा जो है नहीं करेंगे। अच्छा, और दूसरा जो एस्पेक्ट बात कर रही थी डैम के बारे में, आज के दिन आपने देखा है कि कितना जबरदस्त काम हुआ है। एक साहब गए, एक मौलाना साहब गए और उन्होंने जाके 31 करोड़ का चेक पकड़ा है। अच्छा, दूसरे अटॉर्नी जनरल साहब ने 20 लाख रुपए वहां पे जमा कराए। तो मेरे ख्याल में इस वक्त, और आपको याद होगा जब ये मलिक रियाज साहब के साथ बात हो रही थी और उनसे कहा गया कि 5 अरब रखो, 10 अरब रखो, ये बात की थी, तो उस वक्त पता क्या कहा था कि ये सारे पैसे डैम पे लगाए जाएंगे। तो मेरे ख्याल में अगर प्रायोरिटीज की बात है ना, तो मैं ये बता दूं कि इस कौम के अंदर मुल्क की मोहब्बत बहुत है, इनको सिर्फ समझाना पड़ता है कि किस डायरेक्शन में चलना है। और आज के दिन हमारे इंस्टीट्यूशंस कम से कम आपको हाईलाइट कर रहे हैं कि प्रायोरिटीज क्या है। अगर उसके अंदर आप वो क्राउड फंडिंग करेंगे तो इंशाल्लाह ताला देखें किसी दिन जो है हम बहुत सारी चीजों को आसान करने में कामयाब हो जाएंगे। देखो, ठीक है, कॉल शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रहे हैं? मुख्तार बात कर रहा हूँ। जी मुख्तार। जी मुख्तार साहब। चौधरी कार करके हम बात कर रहे हैं। जी जनाब, हुकुम करें। जी हुकुम करें, बोलिए। कहानी ये पूछना चाहते हैं कि क्या ये सुधा में जो अकाउंट खुलाए हैं बैंक के बारे में, तो नंबर आया जी? नंबर आप उनकी वेबसाइट पे जाए, सारे का सारी डिटेल मौजूद है और उसके अंदर अब कितना पैसा है वो भी लिखा हुआ है। अगर आप बड़ी मेहरबानी करें गूगल कर ले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट, उस पे जाए, वहां पे फंड का बटन है जो डैम का है, और उसके ऊपर जाके आप चेक कीजिए, आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रहे हो? कहाँ से? जी मैं रिजवान बात कर रहा हूँ, हरिमाबाद से। जी रिजवान साहब बोलिए। जी मैंने ये पूछना है कि ये इमरान खान जो रोज पार्टी में जलसे करता है, ये कहता है कि तब्दीली लाएंगे, तब्दीली लाएंगे, तो ये कहता है कि मुल्क में जो गरीब आवाम है उसी को एक जैसा बनाएंगे, तो ये आपसे 300 साल के घर में रह रहा है, तो आवाम के पास एक मरला की जगह भी नहीं है जिसमें रह रहे हैं। अच्छा, बड़ी मेहरबानी भाई, मेरे ख्याल में अगर आपने उनके मंशूर का मुताला किया तो उसके अंदर ये है कि वो 50 लाख घर बनवाएंगे जब वो हुकूमत में होंगे। अगर ये आप देख लें तो मेरे ख्याल में उसके अंदर प्रायोरिटीज पता चल जाती है। लेकिन यार एक बात बताएं, इमरान खान के पास ले दे के सिर्फ एक बनी गाला का घर है और हमने उसके ऊपर कितनी इसको टूटनी की है, बाकियों के पास भी बहुत सारे महलात हैं। अब अगर हम इसी कंपैरिजन में लगे रह जाएंगे तो फिर असल बात तो रहेगी, हमारे पास जो लीडर्स की चॉइस है वो आपके सामने, शहबाज शरीफ साहब है, इमरान खान साहब है, और पीपल्स पार्टी की तरफ से भी मेरे ख्याल में भी है। कौन है? क्या प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट? बहुत सारे हैं। नहीं नहीं, कौन? पीपल्स पार्टी की तरफ से। अच्छा, ये जो नहीं, बिलावल साहब अभी यंग है, मेरे ख्याल में उनको अपोजिशन लीडर बनाना चाहते हैं। जी अगर आप उनको देखें तो उसके अंदर से ही हमें किसी को इलेक्ट करना पड़ेगा ना, तो उसके अंदर ये बातें छोड़े, हाँ किसी का प्रोग्राम आप जरा उसको स्टडी करें और फिर बताएं कि कौन सा सही है कौन सा नहीं है, फिर बात करेंगे, फिर मेरे ख्याल में मजा आएगा, क्योंकि देन यू विल नो, उस वक्त आपको मुझे सबको ये रियलाइज होगा कि प्रायोरिटीज क्या है और क्या होनी चाहिए। एक और कॉलर को शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात करो, कहाँ से? बात की जनाब, आपकी आवाज जरा टूट रही है, फरमाइए। जी मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ कि जिस तरीके से हमारे चीफ जस्टिस साहब ने एक इनिशिएटिव लिया है धन के हवाले से और आवाम से अपील की है कि फंडिंग करें, और सोशल मीडिया पे जिस तरीके से इसके बारे में बकायदा कंपेन चलाई गई, और उसके बाद जो है हमारे चीफ जस्टिस साहब ने ये एक ऐलान किया धन के हवाले से, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या किसी जो सुप्रीम कोर्ट के एक इंस्टीट्यूशन होता है वो एक उसके पास ऐसा प्यार है कि वो
आवाम तरीके से बराए राज जो है बैंक अकाउंट खोले और बराए राज जो है आवाम से कहे कि आप दें, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी थी? मतलब ये अपने हिस्से सीट से मौजूद है, मुद्दत इनकी है, ये खोल रहे हैं इसे और अकाउंट खोला है, क्या ये किस चीज की मांग को गारंटी दे रहे हैं कि आपका पैसा जो है वो फिर डैम पे लगेगा? बिल्कुल सही है, बड़ी मेहरबानी जनाब, माशाल्लाह काफी लंबा है। डॉक्टर साहब मैं लगातार जवाब दिए जा रहा हूं। मैं सवाल वो मैं मेरा सवाल रह रहा था कि प्रोड्यूसर साहब कह रहे कॉल पे कॉल शामिल करें, कॉल पे कॉलों को शामिल कर लेते हैं, आराम से जवाब देते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन बात कर रहे हो, कहाँ से? मैं पेशावर से मोहम्मद ताहिर आसाद बात कर रहा हूँ। जी जनाब ताहिर साहब, हम ये आपके प्रोग्राम देख रहे थे, ये जो देख रहे हैं टीवी पर और ये सरकारी मीडिया है, इस पर इमरान साहब की जो हाईलाइटिंग हो रही है, तो क्या मैं ये बात पूछ रहा हूँ कि इन पुराने लोटों की वजह से जो सियासतदान थे पुराने, जो करप्ट और जो मशहूर है सब कुछ छूरी में, तो इस वजह से ये तब्दीली आएगी? और दूसरी ये कि इमरान साहब की जो जो भी बात होती है जल से जुलूस वो सारे दिखा रहे हैं आप लोग। अच्छा। और दूसरे जो है वो मतलब जब नहीं दिखाते थे तब भी इमरान साहब तब भी आप शुक्रिया नहीं करते थे, जब दिखाते हैं आप भी आप लोग शिकवा करते हैं, हम जाएं तो हम कहाँ जाएं? हाँ, पांच साल तक आपकी बात मानी। देखें बात यह है, अगर आपको पीटीवी के किसी बात पे भी वो है तो मेरे ख्याल में पीटीआई ने एक बड़ा अच्छा मैनिफेस्टो में प्रॉमिस किया है, अल्लाह करे बाकी पार्टियां भी कर लें, और क्योंकि खासतौर पर वो तो पावर में भी रही हैं कि पीटीवी को ऑटोनोमस इदारा बनाया जाएगा फुल। अगर कोई ये कर देता है तो फिर उसके बाद आपकी शिकायतें खत्म हो जाएंगी, हम भी कंपेटिटिव खेलेंगे। टीम पे बात हो रही थी और सारे कॉलर्स हैं वो तो मेरी वो सवाल भी रह गए हैं, और आप लोगों की अब तक थोड़ी देर कॉलर्स को जरा होल्ड करवाएगा ताकि हम उस टॉपिक को कम्प्लीट कर लें, फिर सेकंड टॉपिक जाने पड़े तो फिर कॉलर्स को। आपकी इजाजत हो तो वो सीजे साहब वाली जो है बात का वो जवाब दे दूं। भाई अगर आपने अपना कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा होता ना तो आपको पता चलता कि हमारी अदलिया के पास कितनी ताकत है, और ये है कि आज के दिन पॉलिटिशियंस में से बहुत सारे खासतौर पर जो हुकूमत से बाहर हैं या जिनको लगता है कि उनकी हुकूमत नहीं आएगी, वो तमाम जो है किसी न किसी चीज पे नुक्ताचीनी करते हैं। आप हुकूमत में थे, आपके पास ताकतें थी, आप कानून साजी कर सकते थे, आप कानून बनाते, उसके बाद उसके ऊपर रिएक्शन आता वो और बात थी, आपने उसको प्रायोरिटाइज किया ही नहीं। ये जो कहते हैं ना कि तीनों आपकी जो ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट है उसकी डिफाइन करना जरूरी है बाउंड्रीज, भाई आपने कभी की ये कोशिश नहीं की, तो आज के दिन वो क्यों करते हो? देखो अगर किसी ने एक अच्छा काम कर दिया है, अगर कोई कह रहा हो ना कि मैं फंड बनाता हूं मेरे घर, मैंने घर बनाना है, तो मैं कहूंगा गलत कर रहे हैं। अगर वो कह रहे तुम्हारे लिए डैम बनाना है और फिर उसका जो है ना पूरी ट्रांसपेरेंसी रखी है, तो फिर इतराज करने की बजाय यार थोड़ा सा उसके अंदर कंट्रीब्यूट करना। देखो ठीक है, टैक्स एमनेस्टी स्कीम के थ्रू $4 करोड़ के तजाद पाकिस्तान मुंतकिल किए गए हैं, वजीर खजाना ये भी कहती हैं कि इतने पैसे पहले कभी भी किसी स्कीम से फायदा नहीं हुआ जितना हुआ है। आपको भी आपने भी याद दिलाया, आपने कहा कि जब ये स्कीम स्टार्ट हुई थी तो बहुत लोगों ने बातें की, जिस तरह मैंने बात की आपने बात की कि कैरेट तो है लेकिन आपको स्टिक्स कहां नजर आ रही है, कहा ही जाता कि सियासी फायदा उठाएंगे लोग स्कीम से, क्या ऐसा हुआ? और दूसरी बात ये कि अब 31 जुलाई की लास्ट डेट कही जा रही है, लेकिन उसके बाद आपको लगता है कि अगर ये स्कीम वाकई इतनी अच्छी तो आइंदा जो भी हुकूमत जितना बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है वो चलता जा रहा है, हम होप्स हो कि आगे भी चलता जाएगा, तो आपको लगता है ये स्कीम भी आगे चलनी चाहिए? बेनजीर साहबा का नाम जो है वो किसी भी उसके साथ लगे ना, BISP के साथ जो लगा, तो मेरे ख्याल में उसको बिल्कुल ना तो चेंज होना चाहिए ना वो होगा। लेकिन आपको पता है कि उन्हीं की पार्टी के एक साहब जो है वो PTI में गए और उसके बाद उन्होंने खवातीन इनकम सपोर्ट प्रोग्राम करना शुरू कर दिया, और उनके बारे में कहा जाता था कि वो बहुत ज्यादा बड़े सपोर्टर हैं पीपल्स पार्टी के। अच्छा, लेकिन इशू ये है डॉक्टर साहबा कि मेरे ख्याल में मोहतरमा के नाम से शुरू होने वाले प्रोजेक्ट की आउटरीच और उसका पर्पज और था, वो एक दायमी वो है प्रोजेक्ट है जिसके अंदर पॉवर्टी रहेगी मुल्क के अंदर, अगर कोई बहुत ज्यादा पुअर है तो उसको अपलिफ्ट करने का तरीका ये है कि आप एक टेम्परेरी इलाज करते रहे, फिर वो उस नेट से निकल गए, वो ऊपर चले गए तो वो बेहतर हो गया। ये जो टैक्स एमनेस्टी है इसका लॉजिक ये है कि आप किसी दिन अपने आप को निजाम के अंदर ले आए तो इसका मतलब ये है कि इसका एंड तो आना है, अगर आप नहीं लाएंगे तो फिर एमनेस्टी काय को दे रहे हो भाई? उसके बाद ये है कि सिर्फ 5% टैक्स के ऊपर रखना है आपने, सारी की सारी चीजें नहीं रखना है, तो इसलिए इसकी एक लिमिट होती है, वो लिमिट हो जाएगी। उसके बाद मैंने आपको कई दफा पहले भी कहा है कि हमने FBR को बहुत ज्यादा ताकत देने की बात करते हैं,
और बहुत ज्यादा हम ऑटोमेशन की बात करते हैं, कंप्यूटराइज करने की बात करते हैं, हमने दोनों काम नहीं किए। आपको एंड में स्टिक्स देनी पड़ेंगी FBR पे, और फिर उसके बाद आजकल का दौर वो है जब ट्रांसपेरेंसी बहुत हो सकती है। अगर आपसे कोई रिश्वत मांग रहा है डॉक्टर साहबा, 5000 का एंड्रॉयड मोबाइल मिलता है, उसके अंदर कैमरा होता है, उससे रिकॉर्ड करें और छापे सोशल मीडिया के ऊपर। अगर कोई रिश्वत वो कर रहा है तो वो पकड़ा भी जाएगा, गंदा भी होगा। और आप अपना काम करके दिखाएं, अपने मुल्क के लिए आपको टैक्स देना चाहिए और टैक्स ना देने की कोई भी बहाना या वजह नहीं होनी चाहिए। नाज़रीन, इसलिए भी टैक्स दें, अगर आप बाकी तनकीद करते हैं, आप ये कहते हैं कि आपके मुल्क में इतने बैरूनी कर्जे हैं, टैक्स दीजिए, अपने मुल्क के कर्जे उतारिए, बाकी अपने मुल्क को मुआशी तरह मजबूत करिए। हर काम अपोजिशन या गवर्नमेंट का नहीं होता, कुछ आपका भी रोल होता है, तो प्लीज वहां टैक्स भी दे रहे हैं। और वहां पे जिस तरह से चीफ जस्टिस साहब ने जिस अकाउंट का कहा गया है डैम बनाने के लिए, फरूख ने भी कहा कि डैम को कोई अपने घर लेके नहीं जाएंगे, ना वो अपने लिए बना रहे हैं, हमारे मुल्क के लिए हो रहे हैं, तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा फंड भी दें। और सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है, हमें उसका नंबर भी रखना चाहिए। बिल्कुल, मैं कल से अनाउंस करूंगी। सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है, चीफ जस्टिस की बात हो रही है, तो चीफ जस्टिस साकिब निसार ने मनी लॉन्ड्रिंग केस के हवाले से समाअत की है और रिमार्क्स दिए हैं, और उन्होंने कहा कि आसिफ अली जरदारी साहब का नाम और उनकी बहन फरियाल तालपुर का नाम मैंने नहीं हुक्म दिया कि वो ECL में डाला जाए, तो फिर क्या वजह है कि उन दोनों का नाम जो है वो ECL में डाला गया है। साथ में उन्होंने कहा कि वो दोनों मुल्जिम अभी नहीं है। साथ ये भी बात की गई कि 35 अरब रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत हो रही थी, जिसमें चीफ जस्टिस साहब ने रिमार्क्स दिए। उन्होंने कहा हर आदमी की अपनी इज्जत होती है, वकार होता है, हम यहां नहीं बैठे किसी की भी तस्दीक करें। इन दोनों के हवाले से मैंने ऐसी कोई ऑर्डर नहीं दिया था कि इन दोनों का नाम ECL में डाला जाए या फिर ये मुल्जिम है अभी, क्योंकि केस की समाअत हो रही है, तो क्या वजह है कि इनका नाम डाला गया है। नाज़रीन, आपको पता होगा जिस तरह से मीडिया में गुजशत 2-3 रोज से ये रिपोर्ट हो रहा था और कहा जा रहा था, पहले तो ये कहा गया कि FIA ने आसिफ अली जरदारी साहब को और इनके साथ फरियाल तारपुर साहिबा को बुलाया था, लेकिन वो नहीं गए थे, उनकी टीम वहां पे गई थी। लेकिन साथ में ये भी कहा गया कि चीफ जस्टिस साहब ने भी दोनों को बुलाया है और वो दोनों जाएंगे। और ये कहा जा रहा था कि मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, 35 अरब रुपए का इल्जाम लगाया जा रहा है कि 35 अरब रुपए का केस है जो कि सुना जा रहा है सुप्रीम कोर्ट में, और कहा गया किसी वजह से उनका नाम ECL में डाल दिया भी गया है। ये भी अपडेट्स आती रही, और ये भी कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे डाला गया है, लेकिन आज चीफ जस्टिस साहब ने ये रिमार्क्स जो है वो क्लियर कर दिए। फरुख, 3 रोज से जो हम ये बातें सुन रहे थे और मीडिया पे सुन रहे थे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कोट कर रहा था और ECL में नाम डाला भी गया, अगर चीफ जस्टिस साहब ने नहीं कहा था तो फिर किसने नाम डाल दिया और क्यों? अच्छा, पहली बात तो ये है कि मेरे ख्याल में चीफ जस्टिस साहब ने तो अपने पॉइंट को क्लियर कर दिया, और उसके अंदर मेरे ख्याल में क्लैरिटी बनती हुई थी। अगर बार बार मीडिया के अंदर गैर जिम्मेदाराना रिपोर्टिंग हो रही है तो उसको करेक्ट करना जरूरी था। दूसरी बात यह है कि जब NAB ने ये किया था, कहा था कि हम इलेक्शन तक किसी को नहीं पकड़ेंगे, तो उस वक्त FIA ने ये खास तौर पे बात की कि जी NAB ने ये कमिटमेंट दिया, हम तो अपना काम करते रहेंगे, और उसके अंदर मेरे ख्याल में ये दरखास्त गई और उनका नाम जो है, ये मैं आपको बता दूं, ये तकरीबन मुसद्दका खबर है कि फरियाल साहबा का भी अदी का यानी कि और जरदारी साहब का नाम ECL पे है। दूसरा, आज के सारे डिस्कशन से ये तो हो गया कि 25 तारीख तक इनको ना हाथ लगाया जाए, ठीक है, लेकिन ये बात नहीं हुई कि उनका नाम ECL से निकाला जाए। जिसका नाम ECL पे है वो ECL पे 6 अगस्त तक रहेगा। इसका मतलब ये है, ये दोनों साहबान जो है, मोहतरमा और जरदारी साहब जो है, ये दोनों जो है ECL के ऊपर इनका नाम होगा, और आई डोंट थिंक दे विल। अच्छा, अब ECL का नाम नहीं निकाला जाएगा? नहीं निकाला गया, नहीं निकाला गया, नहीं निकाला गया। मैं आपको फैक्चुअल सिचुएशन बता रहा हूँ जहां तक मेरी इतला है, तो उनका नाम ना तो निकाला गया ना निकाला जाएगा। हाँ, ये बात है कि अगर वो इलेक्शन में है तो उनको बार बार हरास करना या कहीं पे पकड़ लेना, रोक लेना, कोर्ट की जानिब से भी कह दिया गया है FIA को भी रोक देगी 25 जुलाई तक, आपको ये कार्रवाई ना करें। दूसरा, ये जो है ना, थोड़ा सा PMLN के लिए भी इंस्ट्रक्टिव होना चाहिए। फॉर्मर प्रेसिडेंट खुद अदालत गए, आगे से वकील कौन कौन है डॉक्टर साहबा? एक दो फॉर्मर जो है चेयरमैन सेनेट, और कौन कौन है मतलब बताएं, एक्स गवर्नर पंजाब, और तीसरे चौथे इतवार का, ठीक है, जरा सोचे टीम इतनी प्रोफेशनल की, हाँ, इतने बड़े आपने वो कर लिए, तो सही बात है कि आर्गुमेंट करने का भी तरीका होता है, आज भी होता है, ठीक है ना, एग्जैक्टली। तो मियां साहब को आपको याद है कि खासतौर पे जब कहा गया था कि जो है ना, आपने मुल्क से जाना है तो जा सकते हैं चेक करने के लिए, सुप्रीम कोर्ट को आपने क्यों नहीं अप्रोच किया? आपने क्यों इज्जत पाली कि आपने कहा कि हम नहीं जाते सुप्रीम कोर्ट? ठीक कह रहे हैं, ठीक है ना। अगर इन चीजों को जरा देखें तो उससे ये होता है कि जरदारी मॉडल को अगर आपने फॉलो करना है,
केस को डिले करना था या कुछ करना, तो उसके लिए कुछ स्ट्रेटेजी तो बनाओ। हाँ। आप बनाते नहीं हो, फिर उसके बाद कहते हैं क्यों मेरे साथ। आगे और फिर आप ये भी कहते हैं कि मेरे पास सबसे मजबूत तरीन टीम है। हाँ। तो वो नजर नहीं आती है, ये यू आर राइट। अच्छा, आज हम जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की ये वाली बात है, तो जो सुप्रीम कोर्ट के बारे में इमेज देने की कोशिश की गई या थोड़ा सा मुतनाजा बनाने की कोशिश की गई है, ये कहा गया कि जी देखे ना, सिर्फ और सिर्फ एक पार्टी के खिलाफ ये काम करते हैं, बाकी नहीं होता। आज खालिद आदरफीक साहब का केस भी लगा हुआ था, उसका भी फैसला सुना दिया गया क्लियर, जबकि सब यही कह रहे थे फैसले से पहले कि क्योंकि वो एक कोई चने वाला भी बयान था, सब कह रहे थे कि लोहे के चने वाले बयान का आप देखें ना, ये यहां पे चीज निकलेगी, क्योंकि अब जो है इलेक्शन में कम ही टाइम रह गया है, जैसे दानियाल अजीज के साथ हुआ या जैसे अभी तलाल के वाले से बात करते हैं, हनीफ अब्बासी साहब के वाले से बात करते हैं, वैसे उन्होंने कहा कि जी खालिद साहब के साथ भी ये होगा कि वो अब उन्हें जो वो नहीं हुआ, ना? नहीं हुआ लोहे के चने वाला। मैं जरा कॉन्टेक्स्ट बिल्डिंग इसलिए कर रही थी ताकि आवाम को भी समझा कि लोहे के चने वाला बयान दिया तो वो चीज होगी, और सब भी कहे टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है और किसी ना किसी तरह से फंसा दिया जाएगा। फंसाया क्या, बल्कि आपने क्लीन चिट दे दी, क्लियर चिट दे दी, और आपने कहा कि जो इल्जाम आप पर लगाए गए थे, इनफैक्ट इलेक्शन कमीशन में भी जो लगाए गए थे कि कहीं ना कहीं धांधली हुई है, कोई धांधली नहीं हुई, ना सिस्टमैटिक धांधली हुई है, ना कोई किसी इंडिविजुअल ने धांधली की है, क्लीन चिट दे दी गई है। अच्छा, मैं आपको बड़ी मजेदार बात बता रहा हूँ और वो अब नोटिस करें। लोग कहते हैं कि जी फलां के साथ ये हो गया, फलां के साथ ये हो गया। अच्छा, मामला ये है कि केसेस है बहुत ज्यादा, आप कोई बात करेंगी मैं अदालत में चला जाऊंगा, मैं कोई बात करूंगा आप चले जाएंगे, हम दोनों कोई मिलकर बात करेंगे एग्री कर रहे होंगे, कोई तीसरा जो नाकेद होगा वो चला जाएगा, ठीक है। जब अदालत में जाता है तो मामला हर केस को परखा जाता है, वो क्यों जो है ना वजन का जो है ना वो तोला जो है ना हाथ में होता है, इसकी जो म्यूज ऑफ जस्टिस है उसके हाथ में होता है, उसकी वजह यह है कि आंखें बंद करके दोनों चीजों को तोला जाता है और उसके बाद फैसला किया जाता है किसकी साइड पे है। अब इसका मतलब यह है कि जब बहुत सारे केसेस होंगे उनमें से कुछ को सजा मिलेगी, कुछ की बातें जो है ऐसी नहीं होंगी जिसके ऊपर सजा मिले, जिन लोगों को सजा मिलेगी तो कुछ लोग जाएंगे और उनके केसेस इकट्ठे करेंगे और कहेंगे देखा पाकिस्तान के अंदर अनी जो है ना पै गई, उसके बाद जो है ना वो कहेंगे कि जी जस्टिस नहीं है। अच्छा, दूसरे वाले उठाएंगे, वो कहेंगे फलां को छोड़ दिया, फलां को छोड़ दिया, फलां को छोड़ दिया, इसका मतलब ये यार कोई पकड़ना ही नहीं चाहता। भाई ऑनेस्टली जो कोर्ट्स का काम है वो ये है कि हर केस को इंडिविजुअली देखे। अब उसके अंदर कुछ लोग अपना काम खराब करते हैं, ठीक है, मिसाल के तौर पे वो कौन से साहब थे जो सेनेटर थे फिर सेनेटरशिप से चले गए थे, क्या नाम है, कौन से वाले की बात कर रहे हैं, सेनेटरशिप से चले गए जिनको जेल जाना पड़ा, पीएमएलएन के साहब, पीएमएलएन साहब जिनको जेल भी जाना पड़ा। हाँ, साल्टर साहब के वाले नहीं, नहीं, अभी जो रिसेंटली हुआ है जिन्होंने बदतमीजी की थी, ले ले मेरे, अच्छा न्यारा, तो नाम लेना आपको मैं वो कह रहा हूँ ना। हाँ। मुझे भी भूल गया था भाई, मुझे भी ऐसे नाम भूल गया, प्रोड्यूसर साहब का शुक्रिया नाम याद दिलाती है। निहाल हाशमी साहब जो है उन्होंने अपना केस अच्छा किया या बुरा किया, ऑब्वियसली बुरा किया, अंदर जाके माजरत करते थे, बाहर आके फिर वही बात करते थे, फिर अंदर जाते थे फिर और बात करते थे, फिर बाहर आके करते थे, दिस इज नॉट द वे। अगर आपने एक दफा कुछ हो गया, अगर आपको लगता है आपने उसके अंदर अपने आप को थोड़ा सा कंपनसेट कर दिया तो ठीक है, ठीक है, ठीक है, और उसको शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, डॉक्टर साहब, गौर इलाही इस्लामाबाद से बात कर रहा हूँ। गौर साहब फरमाइए। फरज साहब कैसे हैं सर, आप ठीक हैं? आपकी दुआ। डॉक्टर साहब, एक आपका जो टॉपिक चल रहा है इससे रेलिवेंट तो क्वेश्चन नहीं, पहले गुजर चुका, मैं बहुत देर से ट्राई कर रहा था, लेकिन छोटा सा क्वेश्चन करूंगा, क्वेश्चन नहीं करूंगा, एक सजेशन है मेरी कि जी साहब ने डैम से मुतल्लिक बहुत अच्छा फैसला दी, ये सियासतदानों को करना चाहिए था पहले, लेकिन काइंडली ये है कि अगर ये जो मोबाइल कार्ड के सिलसिले में जो टैक्सेस की कटौती अभी सीजे साहब के कहने पे ये शुरू की गई है, अगर ये इसी तरह चलती रहे, अगर इसको डाइवर्ट करके अगर डैम्स के सिलसिले में वो डाल दिया जाए कि डैम्स के ये जितने जो ये टैक्सेस हैं ये डैम्स के अकाउंट में चले गए। अच्छा, बड़ी ऐसे ऐसे हो। और एक क्वेश्चन, एक छोटा सा क्वेश्चन और प्लीज, एक छोटा सा ये है कि मैं ये सीके साहब माशाल्लाह बहुत अच्छा, सब कुछ बहुत अच्छा कर रहे हैं, अगर काइंडली ये सारा कुछ हो रहा है तो मियां साहब से हट के 426 या 36 के राउंड अबाउट जो लोग थे पानामा वाले, जैसे सऊदी शहजादों को पकड़ के इकट्ठा करके सबको, बेशक ये कोई रिश्तेदार नहीं है हमारा, ना नवाज शरीफ का, ना दूसरा, ना तीसरा, कोई पानामा वाला, इस तरह अगर इन सबको इकट्ठा करके अगर एविडेंस थे तो इनको पकड़ के इनसे क्यों नहीं रिकवरी की जाती कि इस मुल्क की हम गरीब लोगों के। गौर साहब जाइए, आपसे एक बात पूछनी है मैंने। गौर साहब, आपने वो लिस्ट का मुताला किया,
वो जो पैनामा की जो 426 आप कह रहे उसके अंदर आप करें आपको आपको पता चलेगा कि सारे के सारे करप्शन के केसेस नहीं है ना। तो आप सारों के लिए एक एक इंसाफ तो नहीं वो कर सकते हैं ना, हर बंदे का इंडिविजुअल केस है। सबको एक कटारे में लेके आए, सबको एक कटारे में लाए, ठीक है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। कॉल कॉलर हमको शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात करूँ, कहाँ से? मैं नासिर महमूद बोल रहा हूँ जी, मंदरा गुजर खान से काफी साहब से बात कर जी। नासिर साहब आपके सामने बैठा हूँ, हुक्म करें। सर बहुत अच्छा प्रोग्राम है आपका। मैं सिर्फ ये सजेशन देना चाहता था कि आपकी मायराना राय भी हो जाएगी कि इलेक्शन का दिन है, लोग अपने नुमाइंदों को आके गाँव गाँव बाद लोग बेइज्जत करते कि आप नजर नहीं आए, हमें काम नहीं कराया, गली नहीं लाई। हालांकि ये आईनी लोगों को भेजते हैं जो कानून साजी करते हैं, लेजिस्लेशन करते हैं, एमएनए बनते हैं, तो ये तो काउंसलर और नाजिम का काम है गली में लानी। हमने देखा लोग पत्थर मारते हैं और गालियां देते हैं, 5 साल के बाद आ गए तुम, तो आप इस प्लेटफॉर्म से लोगों की थोड़ी सी तरबियत भी कर दे के ये इनको भेजते हैं आप कानून साजी के लिए। असल इनका काम वो है, ये नाजिम काउंसलर का काम है कि गली नाली आपकी पक्की करे। और आपके सवाल का जवाब बनता है इससे पहले आपने सवाल का खुद इतना पॉइंट ऑफ व्यू शामिल कर लिया। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं भी थोड़ा सा, मेरे सवाल है नहीं, बड़े स्कॉलर्स हैं या फिर आपका नाम, मुझे तो प्रोड्यूसर साहब सवाल ही नहीं करने दे रहे, वो कह रहे हैं स्कॉलर्स को शामिल करें। ऑब्वियसली रोल बदलते हैं। शुक्रिया, मैंने नहीं बदलता, ठीक है, मैं जवाब नहीं दूंगा। आप तजिया दे, आप तजिया दे। लेकिन देखें, आपने जो इम्पोर्टेंट बात की वो ये है कि अगर वाकई एमएनए का काम या एनपीए का काम तरक्की या नालियां पक्की कराना नहीं है तो ये डेवलपमेंट का फंड क्यों मिलता है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि मेरे ख्याल में हमारे जो एमएनए एनपीए हैं ना, उनसे ये शिकायत बनती है कि उन्होंने खुद नाजमों को या जो लोकल गवर्नमेंट है उनको एम्पावर नहीं होने दिया। अगर वो उनको एम्पावर होने देते तो आज के दिन वाकई ये सवाल ना हो रहा होता। मामला ये कि यू कैन ईदर बी द पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम और यू कैन बी पार्ट ऑफ द सोल्यूशन। इफ यू आर नॉट पार्ट ऑफ द सोल्यूशन देन विद ड्यू रिस्पेक्ट यू आर पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। इसलिए अवाम का ये तो बनता है ना कि भाई मेरे इलाके की सड़क पक्की नहीं हुई। और दूसरा ये है कि एमएनए अगर इलेक्ट होकर आ गया इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपनी कंस्टिट्यूएंसी में जाएगा नहीं। आधा टाइम हमारे दोस्त जितने भी होते हैं जब यहाँ पे इजलास नहीं चल रहा होता वो कहते हैं मैं कंस्टिट्यूएंसी में हूँ, प्रोग्राम्स के लिए आप बुलाएं। क्यों होते हैं वो वहां पे? अगर वो एक्सेसिबल अपने लोगों के पास नहीं होते हैं तो फिर अवाम ना पूछे उनसे कि आप क्यों नहीं आते हमारे पास। तो मेरे ख्याल में दीज आर द बेसिक क्वेश्चंस और उसके अंदर एजुकेट करना काम जो है वो इनका भी है। जो टैक्स को डाइवर्ट करने वाली बात है, देखें असल में बात यह है कि कार्ड के ऊपर हो किसी और चीज पे हो, हुकूमत की जेब में जाना है, हुकूमत की जेब से उठ के ही वहां पे डैम में लगता है, यही है ना। अगर आप कोई भी लिमिटेड काम कर देंगे, टैक्स को डाइवर्ट कर देंगे, वो नहीं चलेगा। अगर अभी आपने करना है तो पहले तो अतिया दें और अपने टैक्सेस दें और उसके बाद काम हो जाएगा। माजी में तो साहब के बारे में हम देख रहे, छोटी मछलियां पकड़ी जाती थी और बड़े बड़े मगरमच्छ जो है हमेशा फ्ली बर्गेन करके जो है वो बच जाते थे। इस बार चेयरमैन नैब का, उनके बीच में मैंने एडिशन लिखी थी, कल भी मेरा टॉपिक रह गया था, चेयरमैन नैब ने कहा है कि इस बार तो साहब का अमल ऐसा नहीं होगा सिर्फ और सिर्फ पटवारी पकड़े गए, हवलदार पकड़ा गया, इस तरह से नहीं होगा, ऊपर से शुरू होगा और तमाम के तमाम लोगों को पकड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि एक वज़ीर आला का एहतसाब अभी हो रहा है, दो बाकी वज़ीर आला बचे हैं जिनका एहतसाब अभी होना भी है। ये सारी बातें उनके बारे से कह रहे हैं। आपको लगता है कि जिस तरह से नैब ने अपना काम कर और जिस तरह से पैसे जमा भी किए हैं, पैसे वापस भी लिए हैं और जिस तरह से चेयरमैन नैब के स्टेटमेंट्स भी आ रहे हैं कि सिर्फ ये नहीं कि वो हमेशा की तरह भी वो छोटे से किसी ना किसी वजह को पकड़ लेते थे, उस बेचारे की शामदार अच्छी थी, ऊपर के लोग बच जाते थे, वो बेचारा फंस जाता था, लेकिन जहां पे वो ये होता है वहां पे जरदारी साहब भी चेयरमैन नैब साहब के हवाले से कॉमेंट्स देते हुए नजर आते। तो क्या आपको माहौल नजर आ रहा है? पहले तो ये बताएं आपके ख्याल में क्या माहौल है? मेरे ख्याल में तो बड़ा बीएड सा माहौल है। अच्छा, लेकिन आपको लगता है कि चेयरमैन नैब जो है जो बातें कर रहे हैं वो सही है? मुझे लगता है वो सही है, बिकॉज मैं देख रही हूँ कि ये सिर्फ एक ना एक पार्टी के वाले से ना कुछ सियासतदानों के वाले से, आपको हर जगह पे काम नजर आ रहा है। आपको पता है कि कुछ है ना, ये भी फौजियों की भी बात कर रहे थे, बाकियों की भी कुछ फॉर्मर फौजियों के बारे में भी इन्वेस्टिगेशन खुल गया ना। तो अगर ये रियाज साहब के हवाले से इन्वेस्टिगेशन खुल रही है, मलिक रियाज साहब के अलावा, मतलब मैं कहती हूँ कि इस मुल्क पे वो जो आप हमेशा कहते हैं, आप कहते हैं सियासतदान तो खैर उनका तो साहब होना ही होना है, वो होता भी है, और जजेस का भी नजर आ जाएगा, जनैलो का भी नजर, हर किसी का नजर आ जाएगा, नहीं नजर आता तो एक का नजर नहीं आता, नहीं एक और का भी नहीं आता भाई, जिनके दो चैनल चले जा रहे हैं और इश्तहार नहीं लेते। लेकिन लेकिन वो हो लेकिन तो वही मैं कह रहा ना उनका, वही मैं कह रहा हूँ ना, कोई बताना ही नहीं पसंद करता कि 7 साल के लिए वो जो शुएब साहब है जो कि बोल के हेड है और एग्जैक्ट के हेड है, जेल चले गए 7 साल के लिए।
अगर आप इस स्टैंडर्ड को रखेंगे तो पाकिस्तान का कौन सा शहरी है डॉक्टर साहबा जो कि नहीं चाहेगा कि एहतसाब हो। देखिए ये याद रखिए, हम में से बहुत सारे लोग हैं जो ट्रैफिक लाइट को अबूर कर जाते हैं अगर संतरी न ठहराओ। इसका मतलब ये है कि संतरी भी खड़ा होना जरूरी है। एहतसाब का सिस्टम जरूरी है, करना पड़ेगा। अगर करेंगे तो इस मुल्क के अंदर आहिस्ता आहिस्ता दो जनरेशन के अंदर सारे के सारा कानून का एहतराम भी आ जाएगा और उनको पता होगा कि करप्शन से भाई मैं अपनी एक जेब से चुराता हूँ दूसरी जेब में रख लेता हूँ लेकिन नुकसान तो मेरा ही है या मेरा ही वक्त जाया हो रहा है। अगर आप इन तमाम चीजों को समझेंगे लॉन्ग टर्म में अपने मुल्क को बेहतर बनाएंगे तो एवरीथिंग विल बी ओके। और जो जरदारी साहब ने कहा है ना जी, तो जरदारी साहब की बातें जो है ना अब माफ कर दिया करें। ठीक है, जरदारी साहब की बातों को माफ कर दिया, ठीक है। लेकिन चेयरमैन नाम लगता है माफ करने वाले नहीं। उन्होंने कहा उन तमाम लोगों का एहतसाब होगा जिनके पास अपना जाती मकान नहीं था और उसके बाद दुबई में टावर्स हो गए। फिर उन्होंने कहा उन लोगों को भी नहीं माफ किया जाएगा तो जहां पे 5 लाख खर्च करने थे वहां 5 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं। मुझे कॉलेज में शामिल कर रहे हैं, मैं बिल्कुल आपकी बात समझ गई। चलो ठीक है, लेकिन चेयरमैन नैब जो है वो पूरा का पूरा एहतसाब करवाएंगे। कॉलर को शामिल करते हैं नेक्स्ट टॉपिक जाने पर। सलामुअलैकुम। सलामुअलैकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रहे हो, कहाँ से? मैं डॉक्टर साहब बात कर रहा हूँ दिल्लिया से। कैसी हैं आप? ठीक है जी, अल्लाह का शुक्र। बोलिए। माशाल्लाह बड़ा अच्छा प्रोग्राम कर रही हैं डॉक्टर साहब। आप एमबीबीएस डॉक्टर हैं? जी, मैंने फॉर्म दी किए। हाँ जी। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह, फिर आप हमारे प्रोफेशन से ही हैं। अच्छा, मेरा सवाल पिताजी साहब से है कि जनाब आप सवाल लगे, अगर आपने प्रोग्राम के अंदर जो है ना ये इस तरह की बातों को खास तौर पे वो करना है सवाल जवाब ऐसे पर्सनल करने तो फिर आप वो कर लिया करें। एक सवाल का मौका था, आपने कर लिया। लेकिन दूसरी बात यह डॉक्टर साहबा कि जो जरदारी साहब की बात मैं कर रहा था ना, मैं आपसे कह रहा था कि उनकी बातें जो है आपको लगता है बहुत कोहेरेंट है? नहीं है। तो इसलिए फिर जो है ना, देखिए बिलावल ने आज इंटरव्यू दिया, मैंने सुना, बड़ा पोलाइट था, बहुत अच्छा इंटरव्यू था। भाई लोगों को नुआंसेस नजर ना आए, मुझे आते हैं। अगर आप समझते हैं जो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ एक बंदा है, ये एक ही फैमिली है, बिल्कुल एक जैसे है, तो ऐसा नहीं है। दो उंगलियां भी बराबर नहीं होती है। इसी तरह से बिलावल और जरदारी साहब की पर्सनैलिटी में जमीन आसमान का फर्क है। एक की परवरिश जो है वो मोहतरमा ने की, ठीक है। अगर आप वो देख रहे हैं तो जरदारी साहब की, क्योंकि परवरिश उन्होंने नहीं की है और जरदारी साहब की बातें भी बहुत इनको हैटेंट होती जा रही है, तो डोंट पे दैट मच अटेंशन। ठीक है, पे अटेंशन टू पाकिस्तान बिकॉज पाकिस्तान कैन बिकम अ ग्रेट कंट्री। ठीक है, राजीन थर्ड टॉपिक जाने बढ़ते। कॉलर हैं हमारे साथ? अच्छा, थर्ड टॉपिक जाने बढ़ते हैं और बात करते हैं। इलेक्शन कमीशन ने ये कहा है कि 25 जुलाई को यानी कि जिस दिन इलेक्शन होने हैं उस दिन आम तातील का ऐलान कर दिया गया है। इसका मतलब है छुट्टी होगी। और नाज़रीन, छुट्टी का हरगिज ये मतलब नहीं है कि आपने अपने घरों में बैठना है और सोते रहना है या कोई मूवी देखने चले जाना है या फिर खाने पीने करने हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। छुट्टी देने का सिर्फ और सिर्फ मकसद ये है कि आपने जाना है और अपना वोट कास्ट करना है। सिर्फ इसी वजह से इलेक्शन कमीशन ने आम तातील का ऐलान किया है ताकि जो टर्न आउट है वो ज्यादा से ज्यादा हो पाए। इसके अलावा जो है पाक फौज के किरदार के वाले से बात भी की गई, क्योंकि पाक फौज का इलेक्शन में किरदार सिर्फ और सिर्फ जो है वो सिक्योरिटी की हद तक होगा। सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाएगी और इसके साथ जो है बाकी किसी मामला से ताल्लुकात नहीं होंगे। शफाफ इलेक्शन पर कोई उंगली ना उठाए, इस वजह से तैनाती की जा रही है ताकि सबको लगे कि जो इलेक्शन है वो फ्री है और फेयर इलेक्शन है। ये तमाम चीजें हैं। पर आम तातील बाकी टर्न आउट जो है वो ज्यादा करने मुआवन साबित होती है या आपको लगता है कि लोग ये सोचते हैं कि चलेंगे अब तो छुट्टी है, लेट नाइट तक जागे, सुबह उठेंगे आराम से, उठते हैं, गर्मी का मौसम है, टाइम भी 6 बजे तक तो कह दिया गया लेकिन आपको पता है 4-5 बजे तक तो गर्मी होती तो सोचेंगे बस एसी चला के सोते ही रहे। अच्छा, पहले मुझे ये बताएंगे, आपने कहा था कि क्या पता फिल्म देखने चले जाएं, ये मुझे पहले तो उन जो है ना सिनेमा हाउसेज का नाम बताइए जो कि फिल्में चलाएंगे इलेक्शन के दिन। अच्छा, इलेक्शन के दिन एक ही फिल्म चलनी चाहिए और वो है पाकिस्तान की जमहूरियत की फिल्म। और मेरे ख्याल में उसके अंदर हम सारों को जाके अपने अपने नुमाइंदों को चुनना चाहिए। अगर आपको कोई अच्छा नुमाइंदा नहीं लगता उसके अंदर, काश कि वो ऑप्शन होती नॉट एनी ऑफ द अबव, अगर वो नहीं है, नोटा नहीं है, तो फिर कम अज कम ये है कि जो वहां पे सबसे शरीफ आदमी आपको लगे उसी को वो डाल दे ताकि कुछ ना कुछ आपकी गवाही खुदा के सामने तो पहुंच जाए कि यार मैंने वोट डाला था और एक शरीफ बंदे को डाला था, चाहे वो जीते या ना जीते। ठीक है, थीक। और दूसरी बात ये है कि टर्नआउट जो है, अब मैं बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड नहीं हूं नंबर्स के बारे में, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, बलोचिस्तान के अंदर इलेक्शन जो खास तौर पे है, क्योंकि पिछली दफा
एक दो फीसद चार पांच फीसद इस तरह की से जो है ना वोटों से लोग एमएनएज और एमपीएस बन गए थे। तो बलूचिस्तान में आई रियली अर्ज एवरीबडी कि आप बाहर निकलिए और चाहे जिसको वोट डालें आपका टर्न आउट आना चाहिए, क्योंकि वरना अदरवाइज बहुत सारे लोगों के लिए ऐसी गवर्नमेंट को मानना लेजिटिमेट मानना बड़ा मसला हो जाता है। अब बात आ गई पूरे पूरे पाकिस्तान की, उसके अंदर मेरा ये मानना है कि आज के दिन भी बहुत सारा पॉलिटिकल ये मौजूद है कि दो डायमेंशन मौजूद है, अभी भी दो फोर्सेस बहुत ज्यादा प्रिवेलेंट है और उनका नैरेटिव अभी तक है। और मैं नैरेटिव मियां नवाज शरीफ की बात नहीं कर रहा हूं, मियां शहबाज शरीफ का नैरेटिव और इमरान खान साहब का नैरेटिव, और अगर वो है तो उसकी कोशिश से बहुत सारे लोग इलेक्शन के दिन निकलेंगे और वो वोट डालेंगे। और लेट अस होप कि हम इलेक्शन पाक-फौज के किरदार के हवाले से बहुत ज्यादा बातें होती हैं, कुछ ऑन स्क्रीन होती हैं, कुछ ऑफ स्क्रीन होती हैं, कुछ कॉन्स्पिरेसीज होती हैं, कुछ जहनों में होती हैं, तमाम बातें होती हैं। हम देख रहे हैं कि और अब ये चीजें इतनी ज्यादा बढ़ जाती है, कभी पाक फौज को कुछ चीजें क्लियर करने के लिए आना पड़ता है, कभी इलेक्शन कमीशन क्लियर करता है। अभी इलेक्शन कमीशन के जो सेक्रेटरी हैं उन्होंने बात क्लियर की, उन्होंने कहा पाक फौज का किरदार सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटी फराहम करना है ताकि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, इसके अलावा किसी मामलात में वो मुदाखलत नहीं कर रहे, वो सिर्फ इलेक्शन करवा रहे हैं, सिक्योरिटी दे रहे हैं, एड ऑफ सिविल पावर है। बिल्कुल ठीक है। और ये कह रहे क्या ये इसलिए वजाहत दी जा रही है कि जो बार बार सवाल उठता है कि पाक फौज का इस इलेक्शन में क्या ताल्लुक होगा, ताल्लुक जोड़ने की भी कोशिश की जाती है, कोई ना कोई लिंक भी बना दिया जाता है, कुछ ना कुछ कहा जाता है, ये एक्चुअली एक तरह का एक्सप्लेनेशन है, क्लेरिफिकेशन है जो कि दी जा रही है कि पाक फौज के अलावा कुछ नहीं करना उसने, सिर्फ सिक्योरिटी फिर एक काम करते हैं ना, पाक फौज से कहते हैं आप भैया अपना काम कीजिए जो करना है, अब ना इलेक्शन के दिन ठीक है। पाक फौज की हिम्मत है इतनी बातें सुनने के बाद, क्योंकि वो कहते हैं जी हमारा काम है, आप हमें बुलाएंगे हमें आना पड़ेगा, लेकिन अगर नहीं आते वो तो उसके बाद चीखें कहां से निकलेंगी भाई, यहीं से निकलेंगी लोग। इसी तरह से वॉर्न टेरर के ऊपर यार हर रोज कोई ना कोई बैठा हुआ नुकता चीनी कर रहा होता है, वो भाई आर्म चेयर एक्सपर्ट जरा जाके लड़ो तो सही, अपनी जान हथेली पे रख के जाओ पूरी कौम के लिए, जो नाशुक्री है जिसको इतनी कदर नहीं है कि यार एक बच्चा गया है कोई 18 20 साल का 22 साल का 24 साल का और वो अपने हाथ पांव गंवा के तुम्हारे लिए वापस आ रहा है कि उसकी कदर कर ली जाए। मेरे ख्याल में हम ये कुछ चीजें जो होती है ना डॉक्टर साहब, मुल्क से अगर प्यार करना है करो, नहीं करना है तो फिर जाने दो यार, भाड़ में जाए तुम्हारा अपना जो है ना जिंदगी का निजाम, फिर जाओ मुल्क से ठीक है। मामला ये है कि अगर मुल्क से प्यार करना है तो प्लीज अंडरस्टैंड कि किसकी क्या कुर्बानी है और कौन कितना ज्यादा वो करके आ रहा है। जो डीजीआईएस प्यार ने कहा वो बड़ी उमदा बात की, उन्होंने कहा ये कैसे हो सकता है कि 3 लाख बंदे एक किसी भी घर का, मेरे घर से भी कोई बंदा गया हुआ होगा फौज में, आपके घर से भी कोई रिश्तेदार होगा, मेरे वाले जो है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के साथ फिर रहे होंगे, आप वाले आपके साथ फिर रहे होंगे, क्या उनको 3 लाख बंदों को ये कहा जा सकता है कि किसी तरह से मेडलिंग करना और उसके बाद बात बाहर ना निकले। यार यहाँ तो आपके और मेरे प्राइवेट ईमेल बाहर निकल आती है, बिल्कुल ठीक है ना। हाँ। अगर इतना कुछ हो जाता है तो फिर ऐसा कैसे हो सकेगा। हाँ। अगर ये नहीं है तो खुदा के लिए आपके लिए कोई कुछ कर रहा है तो उसका शुक्रिया अदा करें और उसकी सपोर्ट करें। फरुख आपको नहीं लगता कि इस सब के बाद पाक फौज तैनात होगी और फ्री एंड फेयर इलेक्शन की बात भी हो रहे हैं और इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि इस बार जो है कोई भी इलेक्शन कमीशन पर सवाल नहीं उठा सकेगा, कोई उंगली नहीं उठा सकेगा कि इस बार इलेक्शन जो है वो ठीक नहीं हुए हैं। 2013 में हमने धांधे का शोर देखा था, आपको लगता है कि इस बार वो शोर नहीं मचेगा, लेकिन वो तो खैर इलेक्शन के बाद हमने देखा था ना, ये जो पहले से शोर मचना शुरू हो गया है, ये जो पहले से बार बार कही जा रही है कि इलेक्शन इंजीनियर्ड है, इलेक्शन जो है मैनेज कर लिया गया है, ये सब चीजें कहां पे हो रही हैं, हमें क्यों नहीं नजर आ रही, क्या मसला क्या है? नहीं, मेरे ख्याल में उसके ये होता है कि जब भी कोई बंदा आता है ना, हाँ। जो आके शिकायत करता है, उसके अंदर बहुत सारे बंदे उनकी बातों को चूज करते हैं, उनको उनके नैरेटिव ये बयानिए को एक्सेप्ट करने के लिए, ठीक है। फिर कुछ चीजें होती है कोताहियां सिस्टम के अंदर होती है। मिसाल के तौर पर अगर कोई चीज बहुत गर्म हो आप उसको उठा लें, हाथ जलेगा, वो चीज आप गिराना नहीं चाहते, वो गिर जाएगी, ठीक है। इसी तरह से कुछ मिसमैनेजमेंट भी हो जाती है। कल के दिन जो होने वाला है उसके अंदर ये है कि आप बहुत ज्यादा टेंशन ले रहे हैं तो हाँ। क्या जरूरत है भाई, आराम से रिलैक्स वेंट करने दो, एंड में तो पता है किधर जाना है उन्होंने, उनको पहले पूरा वेंट करने दो जो भी आवाम है, उसके बाद ले जाओ, ठीक है ना। ये सिंपल है, अगर आप ग्लव्स पहन के करेंगे हैंडल तो चीजें ठीक हो जाएंगी। जहां तक बात है ये
लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे ये है कि देखिए एक इंसान जो एक वो जिसको सुप्रीम जिसको जो है अदालत ने जो है वो मुजरिम साबित कर दिया है, वो मुजरिम है, नैब जो है उसको वो गिरफ्तार करना चाहती है, ये तमाम चीजें हैं, ये वो चीजें हैं जो सबके सामने हैं। पूरा पूरा साल जो है ट्रायल्स चलते हैं, आपको हजार नहीं लाखों मौके दिए जाते हैं कि आप चीजें साबित करें, नहीं कर पाते, आप खुद सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, फिर खुद ही JIT बनती है, मिठाइयां बांटते हैं, सब चीजें हो गई। अब ये कुछ है, अब जब अब गिरफ्तार तो करना है ना, क्योंकि आप तशरीफ से इसलिए आ रहे हैं क्योंकि आपने गिरफ्तार होना, ये तो एक बात है। अब उसको जब अभी पूरा इस तरह से सियासी मजमा खड़ा कर दिया जाए, चीजें कर दी जाए, तो क्या वो इसीलिए जो है सिचुएशन अब फिर पकड़ दकड़ भी होती है, बाकी चीजें भी होती है, फिर कह दिया जाता है कि जी अब नाइंसाफी भी हो रही है। आपको थोड़ा समझ नहीं आया, मैं आपको थोड़ा पास्ट में ले जाऊं। 2014 में अगर आपको याद हो, दो यहाँ पे धरने आ रहे थे, दो रैलीज आ रही थी, एक कादरी साहब की, एक इमरान साहब की। अच्छा, उस वक्त हर बंदा कह रहा था यार इनको रोको रोको रोको। मैं क्या कह रहा था आपको याद है? मैं कह रहा था जो डंडा मारेगा, जो पत्थर मारेगा, सर उसका फटेगा, ठीक है। मैं ये कह रहा था आपको कि ये जो पॉपुलिस्ट किस्म का कोई भी होता है ना, फ्लैश क्राउड होता है, कुछ होता है, इसको हैंडल करने की एक साइंस है। उसका ये है कि आप उनको थोड़ा सा लीवे देते हैं। हाँ, ये जरूर करते हैं कि आप ऑब्वियस मिस्टेक ना करें कि आगे उनको आके तकरीर का पूरा मौका दे रहे हैं कि जी आ जाओ, जो मियां साहब आते वहां पे है। देखिए, लाहौर की आवाम तो मुजरिम नहीं है ना। अच्छा, मियां साहब मुजरिम है या उनके ऊपर अदालत ने कह दिया है, तो उसका आप करें जो कुछ करना है, लेकिन जो अवाम है लाहौर की और उनके रस्ते रुक जाते हैं। हमारे इस्लामाबाद में PMLN क्या करती रही है, हर दूसरे दिन कंटेनर ठहरा हुआ, हमारे लिए मसला हो जाता था, ठीक है। फाइंड अ बैलेंस, इफ यू हैव अ बैलेंस तो अवाम है कि क्या करेगी यार। कोई अगर किसी की कोई मोहब्बत है तो वो थोड़ा सा जज्बाती होगा, रोएगा धोएगा, कुछ कहेगी, चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसका मतलब ये है कि बिटरनेस निकल गई। ये नहीं कि आपका मतलब है कि रोकना नहीं चाहिए, रोकने से चीजें खराब होती है। मैं ये कह रहा हूँ कि ना तो ये करो कि बिल्कुल लेट जाओ, ठीक है, ना ये करो कि बस पकड़ के बैठ जाओ और हर चीज के ऊपर एक सख्ता तारी हो जाए। दरमियान में कहीं पे वो करो। हजरत अली वाली मिसाल, उन्होंने कहा था ना कि आप जो है ना इतने नरम बनो, ना इतने नरम बनो कि कोई दबाए तो जो है ना निचोड़ दे और कुछ ना बचे, अगर ना ही इतने सख्त बनो कि कोई मोड़े तो टूट जाओ, ठीक है। तो अब मेरे ख्याल में थोड़ा सा वो करने की जरूरत है, ठीक है। तो मेरे ख्याल सबको देखने की जरूरत है, निगरान सेटअप को भी देखने की जरूरत है, बाकी जो पुलिस के लोग हैं इनको भी देखने की जरूरत है, और हुकूमत को भी देखने की जरूरत है, और साथ पॉलिटिकल पार्टीज को भी अपने वर्कर्स के हवाले से जो है देखने की जरूरत है कि अगर आपका वर्कर किसी मुश्किल में आपकी वजह से फंस जाता है तो जिस हद तक उसको जो है कंट्रोल कर सकते हैं, कम से कम कर सकते हैं, उस चीज को तो कम किया जाए। बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच फारूक, टाइम बिल्कुल खत्म हो गया। काफी उम्मीद है आपका प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। अब आपसे मुलाकात होगी कल सेम टाइम ऑन सेम चैनल, तब तक रखिएगा बहुत सा ख्याल। और फिर से एक बात, 25 जुलाई है, आम तातील होगी, लेकिन सबने आना है, वोट डालना है, ये आपका राइट है जो आपको मिल रहा है, और छुट्टी भी इसलिए मिल रही है ताकि आप जाके वोट डालें। और अगर आप वोट नहीं डालेंगे और उसके बाद अगर आप शिकवा करेंगे तो सबसे बड़ा शिकवा आपसे बनता है। अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।